जयपुर से आपको बता दें कि किसके प्रभाव के आगे पुलिस लाचार। राजधानी में पुलिस के सामने मारपीट की घटना सामने आई है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कंट्री इन होटल में ये मारपीट हुई। आपको बता दें कि आपसी कहासुनी के चलते दो पक्ष आमने सामने हो गए, दो पक्षों में मारपीट हुई है। कंट्री इन होटल की तरफ से फिलहाल कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। थाने में दो जनों ने आपस में परिवाद दिया है। सुप्रतीक गुहा और भानु प्रताप नामक व्यक्ति ने यह परिवाद दिया है। साथ ही मौके पर पुलिस समझाइश की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस की तरफ से अभी तक शांति भंग में कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही बता दें कि थानाधिकारी शिव यादव ने इसकी जानकारी दी। तो ये जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसी कहासुनी का मामला सामने आया है। दो पक्ष आमने सामने हो गए। कंट्री इन होटल की तरफ से इस मामले को लेकर अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। आपको बता दें कि दो पक्ष आमने सामने हो गए, पुलिस ने समझाइश भी की है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रभाव के आगे पुलिस लाचार है, लेकिन ये फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में देखिए किस तरह से मारपीट होती है। जो यहां पर कांच के बर्तन या ग्लास रखे थे उनको तोड़ दिया जाता है। पुलिस के सामने ये मारपीट होती है। ये वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कंट्री इन होटल में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज है जो आपको दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर से जरा ये भी समझिए कि पुलिस यहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी मारपीट रुक नहीं रही है, तो कितना प्रभाव पुलिस का भी है ये तस्वीरें बता रही हैं। ये सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जहां पुलिस के सामने ही दो लोग लड़ने लग जाते हैं, कुर्सियां उठाई जाती हैं, फेंकने की कोशिश की जाती है। और राकेश दादी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, ये फुटेज कंट्री इन होटल का सामने आया है, ये पूरा मामला क्या था? ये घटना हुई है, आपकी कहा सुनी को लेकर मारपीट हुई है। सूचना के बाद वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने भी जब समझाइश का दौर चल रहा था उस वक्त भी दोनों पक्षों ने मारपीट की है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से परिवाद प्रस्तुत किया गया है और वैशाली नगर थाने में पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो खुद थानाधिकारी शिव यादव कर रहे हैं। क्योंकि राकेश, ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो दो तीन नजर आ रहे हैं, जहाँ एक पुलिस भी नजर आ रही है, एक जगह दो लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक जहां पर हाथीपाई बढ़ जाती है। ये एक ही वक्त का है पहले, या मारपीट पहले भी हो चुकी थी फिर पुलिस को बुलाया जाता है, क्या कुछ इस पे विस्तार से बताएं? बिल्कुल, जब आपकी कहा सुनी हो रही थी दो लोगों के बीच में उस वक्त ये झगड़ा हुआ था। झगड़े की इतला जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, चेतक की गाड़ी मौके पर पहुंची। और जब पुलिस होटल में गई तो पुलिस के सामने भी जब समझाइश का दौर चला था उस वक्त दोनों पक्षों ने हाथापाई की। क्योंकि पूरे मामले को लेकर अब जो डीसीपी है वो भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही आप ये कह सकते हैं पुलिस की तरफ से। अमूमन ऐसे झगड़ों में पुलिस दोनों पक्षों को शांति। राकेश, क्या ये बताया जा रहा है कि कौन है ये लोग जिनके बीच में झड़प हुई है? क्या आपसी रंजिश है ये कोई? इस संबंध में हमारी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दो पक्ष, एक जो गुहा नाम का व्यक्ति है और एक भानु प्रताप नाम के व्यक्ति है, दोनों की तरफ से परिवाद किया गया है, दोनों की तरफ से आरोप लगाया गया है मारपीट के। फिलहाल अब परिवार की जांच पुलिस करेगी। फिलहाल पूरे, लेकिन राकेश, जब इस तरह के घटनाएं या फुटेज सामने आते हैं तो होटल की साख पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। होटल प्रबंधन या होटल स्टाफ की तरफ से रोकने की कोशिश नहीं की गई थी कि झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया फिर पुलिस को बुलाना पड़ा? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि होटल प्रबंधन की तरफ से झगड़ा पहली बात तो रोका नहीं गया। जब झगड़ा हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है, तो होटल प्रबंधन की तरफ से थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। जब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे तब तक ही जो इस तरह के जो झगड़े होते हैं उसमें। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।